हेलो, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार अप्रैल की 23 तारीख है। प्रातः क्लास में प्राण माँ की मुरली सुनते हैं। तो समझ लिया है जो गीतों में आता है, पिया पियू बालम साजन, ऐसे ऐसे जो शब्द आते हैं, तो ये कोई कॉमन मनुष्य के लिए नहीं। क्योंकि कहा होता है ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भले गीत बनाने वाले गाने वालों ने किसी भी तरह से गाया हो, लेकिन अपनी बुद्धि तो अभी उधर है ना, उनके तरफ। तो अभी बुद्धि को ले जाना है उधर, परम पिता परमात्मा की तरफ, जो ही अभी अपना मात पिता बंधु सखा सभी, हाँ अभी सभी उसी से ही कनेक्शन है। इसलिए जब ये ऐसे सुनते हो तो बुद्धि को तो उधर ही ले जाना है। तो अभी सुना, जो पिया के साथ हैं उनके लिए बरसात है। कौन सी बरसात? ये जो पानी की पड़ती है नहीं, ये ज्ञान की बरसात। ज्ञान को बरसात भी कहा जा सकता है इसी अर्थ से, क्योंकि बरसात से क्या होता है, देखो मिलता है पानी। अगर बरसात न पड़े तो खाना पीना नहीं खा सको। तो ये सर सब्ज बनाने के लिए, तो ये भी ज्ञान की बरसात। हम आत्माएं सूख गई है ना, सुखी हो ना, अभी तो सुखी नहीं हो ना, गई थी। ये ज्ञान की बरसात न मिलने से आत्माएं को सुखी कहो या आत्माएं अपवित्र तमोपरदान हो गई थी। अभी बाप ने आकर के फिर इस ज्ञान बरसात से अभी इसको देखो साफ कर रहे हैं या सर सब्ज बना रहे हैं। तो अभी हम फिर से
हरे भरे होते जा रहे हैं इस ज्ञान की बरसात से। तो इसीलिए इसको बरसात भी कहेंगे, क्योंकि हम आत्माएं जो मुरझा गई थी, सूख गई थी, अब इस बरसात से फिर हम जागृत होकर करके अभी फिर बाप से अपना वो जो कुछ है पाने का है वो पाने का ये पुरुषार्थ रख रहे हैं। इसीलिए इसको ज्ञान की बरसात, ज्ञान को भी बहुत नाम है, जैसे परमात्मा के बहुत नाम है ना, तो इसी तरह से ज्ञान के भी बहुत नाम है। ज्ञान को बरसात कहो, ज्ञान को अंजन कहो, ज्ञान को हाँ कहाँ देखो तलवार के रूप में दिया है, जैसे शक्तियों को तलवार आज दिए नहीं, अभी कोई तलवार कोई हिंसक अस्त्र शस्त्र तो नहीं उठाए नहीं, ये ज्ञान है। तो ज्ञान को तलवार भी कहा जाते हैं। कृष्ण के हाथ में देखो मुरली दिया, वो तो भगवान समझे नहीं उसको कृष्ण को, परंतु कोई मुरली वो कोई सास की बात नहीं है, ये ज्ञान जो बैठ कर करके परमात्मा ने सुनाया है, इसीलिए उनको ज्ञान मुरली। तो कहा देखो साजों के रूप में, जैसे सरस्वती को फिर सितार या बैंजो दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उसने आकर करके ये बजा कर कर करके सुनाया है, नहीं, ये ज्ञान की, इसीलिए तो उनको कहते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज, तो नॉलेज दिया है ना, बाकी ऐसे नहीं है बैंजो बजाया है, है? तो ये तो फिर कहा क्योंकि इसी से जीवन मधुर बनती है, इससे जीवन में ये प्राप्ति आती है सुख शांति की, इसीलिए कहा साजों के रूप में, कहा अस्त्र शस्त्रों के रूप में, कहा कुछ रूप में, कहा देखो ये ज्ञान का नेत्र दे दिया। तो ये सभी ज्ञान के अलंकार और ज्ञान के सब निशान है। तो ज्ञान को भी देखो कितने रूप और कितने ढंग में लाया है, कहा नेत्र के, कहा अंजन के, कहा बरसात के, कहा कुछ, तो ये सभी बातें बैठ करके वो भागीरथ का देखा है नहीं, हाँ वो यहाँ गंगा निकली फिर पानी बहता है, वो दिखलाते हैं चित्रों में, तो ये भी सभी है। तो वास्तव के ज्ञान की बरसात की बात है, पर तो ऐसे नहीं पानी यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से पानी कितने, तो नॉलेज है जिसको धारण करना है, और उसने भी आकर के परमात्मा ने नॉलेज सुनाया है, तो नॉलेज तो सुनाना पड़ेगा ना, बाकी यहाँ से पानी थोड़ी निकलेगा माथे से। तो ये सभी चीजें अभी बुद्धि में है कि परमात्मा ने आकर के नॉलेज सुनाया है और हमने भी नॉलेज को धारण किया है, बाकी कोई ज्ञान की बरसात या ज्ञान की गंगा या पानी बही है या कुछ ऐसी बातें नहीं है। तो ये तो सभी अभी अच्छी तरह से जो पुराने हो जो आते हो इन सब बातों को तो समझ गए होंगे, तो अभी बाप के द्वारा वो नॉलेज प्राप्त हो रहा है, जिससे अभी आमा हरे भरे होते जा रहे हैं। तो होते जा रहे हो ना, अपने को समझते हो ना, क्योंकि ये समझने की बातें हैं। तो देखो भले ये ड्रामा भी जो है भले है बना बनाया, परंतु उसका मतलब ये नहीं है, उनके भी नियमों को समझना है ना, कि ये बना बनाया ड्रामा भी किस तरह से बना हुआ है। तो बाप आकर कर करके समझाते हैं कि ये बना बनाया जो चीज है उसको भी किस नियमों से बना हुआ है, तो वो समझने की बात है, इसमें मूझना नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं कभी कभी इस ड्रामा की बात पर मूझते भी हैं कि जब ये बना बनाया है तो फिर हमारे लिए तो कोई पुरुषार्थ की बात ही नहीं, बना पड़ा है फिर हम काहे के लिए मेहनत करें, जो होना होगा वो होगा, परंतु नहीं, वो होना होगा वो भी तो होगा हमारे करने से ना, तो हमको अपना आधार रखना है अपने कर्म के ऊपर। वो बात भूल जाओ, उन बात में कोई को न समझ में आती है ना, तो उसमें अटकना नहीं है कि बना बनाया। और ये पॉइंट हमेशा भी समझाई हुई है, कभी भी कोई भी नयों को समझाने की नहीं है, ये तो है ड्रामा को समझना कि ये कैसा नाटक बना बनाया है और अनादि काल से ये बना बनाया ही है, इसका टाइम है, शुरू होता है फिर पूरा होता है, फिर पूरा होकर के फिर शुरू होता है, तो ये तो एक नाटक है जो बाप बैठ कर करके समझाते हैं कि ये कई बार शुरू हुआ है फिर पूरा होता है फिर पूरा होकर के फिर शुरू होता है, वो बैठ कर करके बाप समझाते, लेकिन शुरू कैसे हुआ, मुझे भी तो देखो आकर करके कर्म करना पड़ता है ना, उसमें तो मैं भी बंधा हुआ हूँ और मुझे भी आकर कर करके नई दुनिया को रचने के लिए काम करना पड़ता है, तो मेरा भी पार्ट है ना, तो हर एक का भी अपना अपना पार्ट जो भी नूंधा हुआ है, तो हमको अपने पार्ट के ऊपर अपने एक्शंस के ऊपर अटेंशन देने का है। तो अभी जो हमारा टाइम है अभी हमको क्या करना है, अभी तो हमको अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना कर करके अभी अपनी प्रलब
ऊंची करने की है। तो बाप भी तो आता है नहीं कर्म बनाने के लिए, अगर ड्रामा आए तो फिर उसका आना क्यों नुदा होना चाहिए, फिर उनको आकर करके हमको ज्ञान देना, उनको भी ये मेहनत करने की क्या जरूरत है। नहीं, उनका भी आकर करके ये पाठ है हमको ज्ञान देना, तभी तो उसकी महिमा है ना, नॉलेजफुल। तो नॉलेजफुल है तो अपने लिए तो नहीं है ना, कि भाई उनको सब जानकारी जानता है, अपने लिए जानता है तो क्या हुआ। लेकिन वो जो जानता है वो आकर के समझाता है, और समझाता है हमको जो हम नहीं जानते, तो नहीं जानते हैं उन्हों को आकर करके समझाया है, उनकी समझ उनके पास है, तभी उनकी महिमा है कि नॉलेजफुल है। बाकी ऐसे नहीं है वो हम सबको जानता है अपने लिए, तो हमारे लिए क्या हुआ। नहीं, उसने हमको उसी समझ का बल दिया है जिसके आधार से हम भी ऊंचे उठे हैं, तो इसी कारण उनकी महिमा है। तो परमात्मा को भी तो कर्म करने की ड्रामा में ही समझो, परंतु उनको भी तो अपना कर्म करने का पाबंदी है ना, वो भी तो बंधा हुआ है ना। इसी तरह से हम भी अपने कर्म करने में बंधे हुए हैं, तो हमको दूसरी बात को न समझ या उन्हीं बातों में न मूंझ करके हमको अभी क्या करने का है, हमको अभी अपना कर्म स्वच्छ बनाने का है। इसीलिए ऐसा नहीं ड्रामा में होगा तो अपने आप ही स्वच्छ हो जाएगा, नहीं, हमारा काम तो है नहीं करना, बनेगा भी कैसे, अपने आप नहीं बनेगा, वो भी हम करेंगे ना। तो हमको अपना अटेंशन जो है वो करने के ऊपर देने का है, हमको अपना कर्म करके अपने को स्वच्छ बनाना है। अभी देखो हमको समझ मिली है, हमारा काम क्या है, हम ऐसे थोड़ी समझेंगे कि नहीं जो होना होगा वो अपने आप ही होगा, नहीं, हमारा काम है जो समझ है उस पर चल करके काम करना ना। तो हमारा काम है उसी समझ को लेकर करके अभी अपने कर्म को स्वच्छ बनाना, हमारा अटेंशन इसी कर्म पर है कि हम अपने को स्वच्छ बनाएं। तो हमारा काम है करके उसको प्राप्त करना, जो करेंगे सो जरूर पाएंगे। बाकी ये तो जानते हैं यहाँ ये ड्रामा है, ये खेल है, आज से अंत तक कैसे चलता है, वो नॉलेज है जिसको समझने की बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए चिप होके बैठे या कुछ न करें। तो इन्हीं बातों में अगर ये बात किसी को नहीं भी समझ में आती है ना, तो मूझना नहीं है, आप उसी को छोड़ कर करके, ये कोई पॉइंट ऐसी भी नहीं है कोई जरूरी है, नहीं, इन पॉइंट को न समझ में आती है तो छोड़ करके अपना अपने को कर्म पर रखो कि हम जो करेंगे सो पाएंगे। ये तो गीता में भी है ना, जीवात्मा अपना शत्रु अपना मित्र है, तो अपने करने के ऊपर सारा आधार है नहीं। तो हमको अपना करना है पुरुषार्थ, इसीलिए पहले पुरुषार्थ पीछे प्रालब्ध, भले पुरुषार्थ और प्रालब्ध का है बना बनाया, परंतु वो बना भी कैसे है, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा, इसी के आधार पर बना हुआ है, परंतु करेंगे तब पाएंगे ना। बना हुआ भी ऐसे ढंग से है कि हम जो करेंगे सो पाएंगे, अगर करेंगे नहीं तो पाएंगे नहीं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि जो बना हुआ होगा वो आप ही होगा, नहीं, वो भी हमारे करने से होगा ना। और ऐसा भी नहीं करना भी हमारा अपने आप होगा, वो तो हम समझेंगे करेंगे ध्यान देंगे अटेंशन देंगे तब तो करेंगे ना। तो इसीलिए हमको सारा आधार अपने करने के ऊपर रखना है, और करना ही और फिर पाना है। इसीलिए इस बातों में भी कोई अगर अटकता हो तो इनमें मूंझो नहीं, इनको छोड़ करके अपने कर्म के ऊपर रहो कि हम जो करेंगे सो पाएंगे, और बिना किए पा तो सकते ही नहीं है। लेकिन अभी सिर्फ रोशनी मिलती है कि करना क्या है, क्योंकि मनुष्य तो समझते है नहीं कि अच्छा भाई अच्छा करना है, अच्छा भी क्या है, अच्छे का भी नॉलेज होना चाहिए ना, अच्छी चीज क्या है, सबसे श्रेष्ठ कर्म कौन से है, वो बैठ कर करके अभी बाप समझाते हैं कि कर्मों को श्रेष्ठ बनाना, जिसके ऊपर फिर कोई कर्म करने की जरूरत न रहे, ऐसे श्रेष्ठ कर्म कौन से है। तो उसकी बैठ कर करके अभी बाप नॉलेज देते हैं कि सबसे ऊंचे में ऊंच श्रेष्ठ में श्रेष्ठ कर्म कौन से। तो श्रेष्ठ कर्म तभी है जिस कर्म करने से फिर हमको कोई बात करने की दरकार न रहे। तो वो चीज अभी सिखलाती है कि कंप्लीट पवित्र कैसे बनो। तो अभी कंप्लीट पवित्र बनाने की अथवा कंप्लीट अपने श्रेष्ठ कर्म बनाने की अभी नॉलेज बैठ कर करके बाप देते हैं, जिससे हमारे जैसे पिछले पाप भी दगद होवे और आगे के लिए भी हमारे कंप्लीट पवित्र कर्म बने, जिसके आधार से हम उसी पवित्रता की प्रालब्ध को पाए, जिसमें फिर हमारे को कोई कर्म करना न पड़े। बाकी जो हम करते आए हैं ना वो अल्प काल के हैं, वो श्रेष्ठ कर्म सदा के लिए नहीं है, यानी सदा की प्राप्ति के लिए।
इसीलिए उनको कहेंगे अलग काल की प्राप्ति के कर्म। तो उनको हम श्रेष्ठ कर्म जो कंप्लीट कर्म है उसके भेंट में नहीं कहेंगे। वो है थोड़ा बहुत अच्छा करता है, जैसे किसने दान किया मानो अच्छा, दूसरे धर्म में जन्म में क्या होगा उसको, अच्छा है उसका धन दान करने के वज में उसको धन मिलेगा, तो चलो शाहूकार होगा ना, बस ना, बस इतना ही उसको फल मिला, या जो भी जितना थोड़ा बहुत अच्छा किया उसका मिला। लेकिन उससे ऐसा तो नहीं है ना कि कंप्लीट पवित्रता का बल मिलेगा जिससे सब कुछ प्राप्त हो, नहीं। धन मिला तो फिर कोई रोग होगा, फिर कोई ऐसी कर्म की भी हानि होगी जिससे फिर कोई ना कोई दुख रहेगा। तो ये सभी चीजें जो है कि सब चीजों का सुख प्राप्त रहे उसको कहा जाएगा कर्म श्रेष्ठ। तो बाप बैठ कर करके अभी वो चीज हमको सिखाते हैं जिसे हमारे सर्व कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म जिसको कहा जाता है, सब तरह से कर्मों की श्रेष्ठता की प्रालब्ध हमको प्राप्त रहे, और जिसी प्रालब्ध से फिर हम सदा सुख को पाते हैं। तो सदा सुख और सर्व सुख प्राप्त करने के लिए हमारे ऊंच में ऊंच जो कर्म है ना वो बैठ कर करके बाप सिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो बाप ने बैठ करके कर्म सिखलाया ना, इसीलिए अपने कर्मों के लिए कहा है कि मेरा कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है और उसके ऊपर फिर कोई ऐसी चीज नहीं है। तो मैं जो आकर करके कर्म कराना सिखलाता हूँ वो सबसे श्रेष्ठ है, और उसको ही कहा कि ये कर्म योग राजयोग, यानी जिस प्राप्ति का राजाई का अथवा जो मैं एस्टेब्लिश करता हूँ राजाई अथवा जो मैं आकर के दुनिया बनाता हूँ उसी श्रेष्ठ दुनिया के ऊपर कोई फिर दूसरी तो बात है ही नहीं ना। तो ये सभी चीजों को समझना है कि अभी जो हमको बाप के द्वारा ये कर्म कराने की जो शिक्षा मिलती है ये है सबसे ऊंच, इसीलिए इनको कहा है कि कर्म श्रेष्ठ अथवा कर्म की ऊंच प्रालब्ध अभी बैठ कर करके बाप सिखाते हैं। तो इन बातों में रख कर करके अपनी बुद्धि को कि हमको अपना कर्म करना है, और जो अभी बाप के द्वारा ये मत मिल रही है ये उनकी मत है नहीं बाप की डायरेक्ट, तो अभी जो उनकी मत मिल रही है उसकी ले कर कर करके अभी हमको अपने कर्म में रहना है। बाकी तो बाप बैठ के समझाती हैं कि अच्छा तुमने कभी कर्म किया था और ऐसी प्रालब्ध पाई थी जिसका भी तो देखो निशान है ना कि तुमने ये किया था, तो वो ड्रामा भी समझाते हैं कि ऐसे नहीं है, जो चीज हुई है वो फिर होने की है, उसी आधार पर समझाते हैं कि नहीं तुम आगे थे ऊंचे, फिर कैसे तुम्हारा देखो ये सब नीचे चले आए, अभी फिर तुमको आकर के वो टाइम हुआ है, अभी फिर मैं आया हूँ तुमको ऊंचा उठाने के लिए। तो वो सारा चक्कर है सृष्टि का वो बैठ के समझाते हैं कि कैसा तुम ऊंचा था अभी नीचे हुए फिर ऊंचा होते हो, वो चक्कर बैठ के समझाते हैं। बाकी हमको करना तो कर्म है ना, ऊंचा उठेंगे भी तो कर्म से ना, गिरे तो भी अपने कर्म उल्टे बनाए तभी तो गिरे ना, कारण तो फिर भी कर्मों का देना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इस बातों में भी भाई ड्रामा है, ड्रामा के कारण ही हम गिरे और ड्रामा से हम चले, लेकिन ड्रामा में भी चढ़ेंगे कैसे, उनके भी कोई नेम है ना, तो नेमों को भी समझना है कि हम करेंगे तो पाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो समझेंगे इसका ड्रामा में पार्ट नहीं है। ड्रामा तभी समझेंगे कि जब ही समझेंगे कि अच्छा ये पुरुषार्थ नहीं करता है तो समझेंगे हाँ इनका ड्रामा में नहीं पार्ट है, परंतु हमको करने के लिए तो करना पड़ेगा नहीं पुरुषार्थ, करेंगे तब तो पाएंगे ना। अगर अभी हम है हम समझे कि नहीं हमारा ड्रामा में होगा तो हम अपने आप ही चढ़ेंगे फिर कुछ नहीं करे, फिर हमारी क्या पड़ी इतनी मेहनत करे बैठ कर के, ये क्यों हम करते हैं, ये करते हैं इसीलिए समझते हैं नहीं जो हम करेंगे तो पाएंगे, तो अपने करने के ऊपर ही तो पाने का आधार है ना। तो ये समझने की बात है, ऐसे नहीं हमारे ड्रामा में होगा तो हमारे से अपने आप ही होगा, आप ही कैसा होगा वो भी तो हम सोचेंगे, हमको ये करना है ये राइट एक्शन है ये रॉन्ग है ये करना है ये नहीं करना है, ये तो हम समझ लेकर के अपने पुरुषार्थ से चलेंगे ना। अगर हम खाली उसी पर बैठ जाए कि जो होना होगा जो अपने आप ही होगा हम बैठ जाते हैं, फिर तो सब में बैठो, फिर धंधा भी नहीं करो, कहो होना होगा ना हाँ ये काम काज होना होगा पैसा कमाना होगा तो कमा के बैठ जाओ, देखो कमाते हो हाँ फिर बैठ जाओ चिप कर करके, फिर तो सभी बात में बैठो ना, फिर इस बात में क्यों, फिर तो सब करो, ये जो शरीर निर्वाह के लिए काम करते हो ना उसमें भी ड्रामा रख के बैठ जाओ कि नहीं हमारा होना होगा अपने आप होगा हमको पैसा कमाना होगा अपने आप, फिर कर सकते हो नहीं, जैसे उसमें सोच के समझ के चलना पड़ता है, फिर कोई रिजल्ट हो जाती है तो आप समझते हैं कि चलो इतना ही था जो होना था वो हुआ, बाकी ऐसे नहीं है कि करने के समय हम उस पर बैठ जाए
कि होना होगा तो होगा, हम चिप करके बैठ जाए फिर तो कुछ नहीं काम कर सकेंगे, फिर तो खाना भी न खाओ, फिर तो पकाओ भी नहीं, फिर तो कमाओ भी नहीं, फिर तो कुछ नहीं करो, होना होगा अपने आप होगा, फिर तो चिप करके बैठ जाओ। पर तो ऐसा होता नहीं, करना ही पड़ता है, कर्म तो चलता ही है ना। तो जो चलता है उसी में हमको समझना है, और समझ कर कर करके अपने कर्म को श्रेष्ठ रख कर करके चलना है, जिसकी प्रालबदम को श्रेष्ठ पानी है। तो वो तो हमको समझ भी देनी पड़ेगी, कर्म भी करना पड़ेगा, पुरुषार्थ भी रखना पड़ेगा, रॉन्ग और राइट को सोचना समझना, और उसी पर हमको चलना भी पड़ेगा कि राइट क्या है वो हमको करने का है। तो ये सब करने के ऊपर, इसीलिए अपना आधा सारा कर्म के ऊपर है। बाकी तो हाँ, ये टोटल समझते हैं कि ये वर्ल्ड की हिस्ट्री कैसी है, ये शुरू कैसे होती है, पूरी कैसे होती है, फिर इसका भी टाइम है, जो बैठ कर करके बाप समझाते हैं। अभी वो टाइम पूरा हुआ है, फिर से अपना वो जो आदि सनातनी पहले पहले जो पहली पहली थी दुनिया का, वो अभी टाइम आता है। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री रिपीट होती है, तो ये सभी हिसाब हिस्ट्री का भी समझना है। पर तो उसमें हमारा डिटेल्स जो चलते हैं वो कर्मों से, वो डिटेल्स चल कर करके ही तो हमारे कर्म ऊंचे और फिर हमारे कर्म नीचे, उसी के आधार पर ही तो ये सारी हिस्ट्री वर्ल्ड की चलती है। हमारे नीचे के कर्म होते हैं तो हम नीचे हो जाती हैं, मानो वर्ल्ड ही नीचे हो जाती है, अर्थात उसकी लाइफ ही नीचे हो जाती है। हमारे कर्म ऊंचे होते हैं तो देखो वर्ल्ड ऊंची हो जाती है, अर्थात दुनिया स्वर्ग हो जाती है। तो हमारे कर्म के आधार पर स्वर्ग और नर्क, ये आधार किसे बना, नर्क कैसे बना, बनी बनाई तो नहीं है ना, बनी तो नहीं पड़ी है ना, बनती है, परंतु बनती कैसे है, कर्म से। नर्क नर्क भी बनती है हमारे कर्म से, और स्वर्ग भी बनती है हमारे कर्म से। तो कर्म से बनती है, ऐसे नहीं स्वर्ग बना रखा है, नर्क बना रखा है, भाई बना बनाया पड़ा है, नहीं, वो टाइम अनुसार चेंज भी होती है, वो भी हमारे कर्म से होती है ना। तो ये सभी चीजों को समझना है, इसलिए जो चीज हमारे कर्म के आधार से बनने वाली है तो हमको आधार पकड़ना है कर्म का, भले बना बनाया है परंतु आधार कर्मों का है, जो हम करेंगे उससे बनेगा, बना बनाया भी उसी तरीके से बनता है हमारे कर्म से। तो नर्क स्वर्ग भी हमारे कर्म से बनता है, वो हम बुरे कर्म करते हैं तो दुनिया देखो नर्क हो गई, और फिर हम अच्छे कर्म करते हैं तो दुनिया स्वर्ग है। तो दुनिया की बात है ना, तो ये दुनिया की हिस्ट्री भी है और फिर हमारे इंडिविजुअल कर्म के ऊपर भी सारा आधार है। इसलिए इन सभी बातों को भी अच्छी तरह से समझ कर करके और अपने ऐसे पुरुषार्थ को चलाना है। बाकी इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ होना है दुनिया स्वर्ग होनी है तो हम अपने आप आ जाएंगे, नहीं, इसके लिए तो हम अथाकुठी करते हैं कि हम स्वर्ग में अपना अधिकार लगाए और स्वर्ग में भी हम ऊंचा स्टेटस पाए, उसके लिए तो इंडिविजुअल पुरुषार्थ है। बाकी बाप बनाता है स्वर्ग अपने आप होगा तो हम तो चिप करके बैठ जाए, फिर तो हम खाए पिए मौज करें जैसे चले वैसे चले, फिर तो कोई बात ही नहीं, हम अपने आप आ जाएंगे, फिर तो कर्म का कुछ रहा ही नहीं। नहीं, हमारे कर्मों से ही तो होंगी ना, इसीलिए परमात्मा को भी तो हमारे कर्म बनाने के लिए आना पड़ता है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है हमारे कर्मों के लिए। लेकिन ऐसा ही अगर होना होता तो वो ऐसे ही कर देता, फिर तो हमारे से माथा कुटी क्यों करता, वो भी, उनको भी तो हमारे से माथा लगाना पड़ता है ना, और हमको भी तो अपना इंडिविजुअली मेहनत करनी पड़ती है ना। तो आधार है ना, उनको भी उसी को आधार देना पड़ता है कर्मों को आकर के, और हमको भी अपना इंडिविजुअली कर्म बनाने पड़ती है, इसीलिए हम करेंगे तब पाएंगे। भले बनेगा भी कैसे, बनने का भी नेम है ना, तो उसको भी उसी नेम से बनाया जाए। परमात्मा को भी देखो कर्म करा कर करके उसी नेम से आकर करके हमको बनाना पड़ता है, बाकी ऐसा नहीं बना पड़ा अपने आप बनेगा, नहीं, अभी मकान है ऐसा तो इच्छु मंत्र से, जैसा नेम होगा ना, हाँ भाई इसका ऐसा फाउंडेशन डाला जाता है, ऐसा किया जाता है, जैसी बनाने की तरकीब होगी उसी तरकीब से बनेगा ना, तो तरकीब को भी तो लेना पड़ेगा ना, बाकी ऐसे थोड़ी है कि बना हुआ होगा तो आप ही बन जाएगा। हाँ, ये चीज अपनी अपने बननी होगी तो अपने आप ही बन जाएंगी, नहीं, उस जिस तरकीब से बनने की है, जिस नेम से बनने की, उसी चीज को उसी नेमों से बनाना होगा ना। तो मनुष्य मनुष्य की लाइफ किसी नेम से बनने की है तो उनको भी तो अपने कर्म के नेम से बनाना होगा ना, तो हमको करना, इसीलिए हमारा अटेंशन जो है अपने करने के ऊपर। बाकी तो जानते ही हैं कि हाँ ये तो ड्रामा है और सृष्टि चक्कर है, वो कैसे होता है और कैसा ये नीचे आता है फिर कैसा ऊंचा उठता है, पर तो अभी तो ऊंचा उठने का टाइम है ना। तो भी सभी बात को छोड़ करके अभी जो टाइम है
हमारे ऊंचे उठने का, इसीलिए हमको उच्च कर्म करना ही चाहिए। ड्रामा अनुसार अभी हमारी चढ़ती कला का टाइम है, तो हमको चढ़ना ही चाहिए ना। अगर चढ़ती कला के समय पर हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ न करेंगे तो चढ़ेंगे कैसे? इसीलिए हमको अपने कर्म के ऊपर ही आधार रखना है। बाकी ऐसे नहीं है कि अपने आप होगा, अपने आप कुछ होता नहीं है। कुछ होता है, खाना पीना भी करते हो, अपने आप होता है। खाना आया, हमको मिलना है, बन के आएगा हमारे आगे, चले अंदर जाना होगा, अपने आप जाएंगा, अपने आप होता है। करना होता है नहीं, बनाना होता है, उसको खाना होता है, और उनको सब तरह से चलाना होता है। हर चीज को हमको एक्शन में लाना ही पड़ता है। तो जबकि हर चीज एक्शन से ये चलती है, तो हमको अपना ऊंचा उठने के लिए भी तो करना है ना। उस पर फिर कैसे बैठ जाए कि नहीं होना होगा तो होगा ही, फिर तो सब बात में होना होगा, फिर तो सबको सब कुछ अपने आप चलना होगा, सब होना होगा, सब बात में ऐसे कहो, बाकी बैठ जाओ, पर तो हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे थोड़ी बाकी बात करेंगे और इस बात में कहेंगे कि नहीं होना होगा, हमारे किस्मत में होगा, हमारे होगा नसीब में, या हमारे ड्रामा में होगा तो होगा, नहीं तो फिर उसके लिए बैठ जाना है। नहीं, जैसे सब बात करते हो तभी होता है, तो ये भी तो बात करने से ही होंगी ना। ये फिर खास ऐसी कैसे होंगी तो अपने आप होंगी। इसका मतलब ये हो जाते हैं कि कहीं समझते नहीं है कि ये बात भी हमारी ऐसी जरूरी है, जैसे हम जीवन के दूसरे जरूरी काम करते हैं, खाना पीना पकाना कमाना सब जो कुछ करते हैं, जरूरी समझ के करते हैं, ये भी वैसी चीज है, इसको भी हमको कर्म से बनाना है। बाकी ऐसे नहीं, ये अपने आप होंगी, अपने आप होंगी तो ड्रामा में सब अपना होगा ना, अपने आप होने का, फिर तो कमाओ भी नहीं, बैठ जाओ, होना होगा तो आप ही करेंगे नहीं, जरूर सोचेंगे क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए ये करना है, बच्चे है पालना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब सोचेंगे करेंगे तभी तो होगा ना, उसके लिए जाएंगे। अब बैठे हो यहाँ समझो नहीं, हमको कमाने के लिए जाना होगा, अपने आप जाएंगे, आप ही कैसे उठेंगे, टाइम हुआ है, जाना है, दफ्तर है, ऑफिस है, सब एक्शन से सोच के चलना पड़ता है ना, करना ही पड़ता है ना। तो जैसे सभी बात करने से होती है, तो ये भी तो करने की बात है ना। इसमें फिर ऐसे क्योंकि होगा किस्मत में तो होगा, इसमें किस्मत क्यों, किस्मत तो सब में करो, फिर खाली इसमें क्यों? तो नहीं, जैसे और एक्शंस में सब एक्टिविटी चलती है, वैसे ये भी तो अपनी एक्टिविटी को राइटियस वे में चलाना, उसको ये समझना है और उसी तरीके से चलाना है। हर बात में ऐसा होगा, हमको डॉक्टर बनना है कि हम समझेंगे बनना होगा तो अपने आप बनेगा, नहीं, उसके लिए जरूर है, हम कोशिश रखेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, पढ़ेंगे, उसमें अटेंशन देंगे, वो सब करेंगे तभी तो होंगे ना। सब बात कैसे चलती है, फिर होती है तो कहते हैं हाँ भाई ये किस्मत में था, ये चीज नहीं हुई तो कहेंगे अच्छा न था ड्रामा में, फिर किस्मत को ड्रामा को बात एक ही है, वो तो होती है रिजल्ट में, जो किसी बात का नीचे ऊंचे ना है। बाकी हमको करना तो हर काम को करने की तरह से करना पड़ता है ना, तो उसमें तो हमको अपना पुरुषार्थ लगाना ही पड़ेगा, उसको हमको सोचना है, समझना है रॉन्ग और राइट को, और समझ कर करके चलना है। अभी जो बुद्धि मिली है उसको ले करके चलना, उसमें ऐसा नहीं है कि होगा होगा तो फिर सब में बैठ जाओ, फिर तो धंधे दौड़ी में भी कहो होगा तो आप ही कमाई हो जाएगी, बैठ जाओ, बैठो तो सब में बैठो, उठो तो सब में उठो ना। बाकी ऐसे नहीं है उसमें उठो, उसमें करो, उसमें सोचो, और इसमें क्यों बैठ जाते हो कि होगा किस्मत में, होगा किस्मत में तो पैसा भी कमाएंगे, बैठ जाओ घर में, देखो होगा, लो जी नहीं तो करना पड़ेगा ना। तो जैसे उस काम के लिए करना है, वैसे ये भी तो अपने जीवन के लिए ही तो करना है। हाँ, ऐसा समझो अभी मोटर चलाते हो, बच्चा आ गया, वो अच्छा मोटर, उसका एक्शन तो अच्छा था मोटर चलाने का, वो बच्चा कट गया। देखिए अभी वो फिर हिसाब है ना, अभी कोई बच्चा कट गया, हम समझेंगे कि चलो इनका कोई अगले जन्म में कोई ऐसा कभी हिसाब किताब इनके साथ हमारा रहा, तो हाँ कभी हमने कोई इसको दुख दिया था या इसने हमको कोई दुख दिया था, अभी रिटर्न हमसे उसको मिला, तो वो हो गया कुछ अगले कर्मों के हिसाब किताब की भी सब चलती है ना। हमने कभी किसको दुख दिया है तो हाँ हमको फिर दूसरे जन्म में उसे लेना है, तो ये लेन देन का भी जो हिसाब है कर्मों का, तो वो तो हम तो अभी सोच के अच्छा चला, लेकिन हमसे कुछ उसको कुछ ऐसा हमारे से किया हुआ है तो हमारे से फिर मिलना है, तो फिर वो चला, तो वो कर्मों का हिसाब है ना। तो वो फिर सारी कर्म की फिलॉसफी है कि कितने जन्मों का हमारा खाता चलता है, ऐसा नहीं जो हम अभी करते हैं अभी पाते हैं, नहीं, हम जो करते हैं वो हमारा रिजर्वे में बहुत कुछ खाता कई जन्मों का चलता रहता है।
इसलिए हम बहुत जन्मों के हिसाब को भी पा रहे हैं। अभी ऐसे नहीं है कि इस जन्म में हमने, इस जन्म में समझो कोई ऐसा बुरा काम नहीं किया। हम तो सोचेंगे हमने कोई बुराई नहीं की है, लेकिन हमारे पास क्यों ये कर्म भोग या ये बुराई सब क्यों आती है? तो हाँ, ये हमारा कोई अगले जन्म का भी तो पाप है ना, कई जन्मों का बोझ है सिर पर, तो हो सकता है उसकी भोगना भी, तो अभी हमको भोगनी पड़ेगी ना। तो ऐसे नहीं एक जन्म का खाता एक ही जन्म में खत्म होता है, कई जन्मों का खाता हमारा बहुत बड़ा बनता है, उसको भोगने में हमारी एक आयु पूरी भी नहीं होती है। इसीलिए हमारा खाता स्टॉक में रहता चलता है कई जन्मों का, इसीलिए हम उसको भोगते हैं। तो उसका मतलब नहीं हम इस जीवन को देखें, भाई इस जीवन में तो हम किसी बुराई नहीं की है या कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया है, लेकिन हम पाते क्यों है बुराई? पाते हैं कोई अगले जन्मों का हिसाब है, जरूर अगले जन्म में कोई ऐसे कर्मों का हिसाब किताब है जिसको भी अभी पाने का ही है, तो कोई हिसाब आते हैं ना, अगले जन्मों का भी आते तो है ना। तो ये आ गया, हमने तो सोचा नहीं कि मोटर के नीचे किसको लाऊं, लेकिन हाँ कुछ उसका दुख दिया हुआ है, फिर हमसे उसको मिलना है अनजानाई में। एक होता है जानबूझ के किसको खून करना, एक होता है अनजानाई से, वो ऐसा ही हिसाब होगा, कुछ ऐसा ही हिसाब किताब का बना होगा जिसे कुछ उसने दुख दिया है, कुछ उसको मिलना होगा, मिला ऐसा। तो ये तो हुआ ना, वो समझते हैं कुछ कर्मों का हिसाब है। तो ये सभी चीजें कर्म का हिसाब भी तो चलता है ना, बाकी हम सोचते हैं अच्छा चले, चलना तो है नहीं हमको सोच के, लेकिन सोच के हो गया कहेंगे ड्रामा, भी यहाँ कहेंगे ड्रामा, समझो हो गया कोई एक्सीडेंट, चलो ऐसा कुछ हो गया जैसा आप कहा, तो चलो हम उसको क्या कहें, ड्रामा, कोई हिसाब था, कोई कर्म का ऐसा किया हुआ मेरा उसके साथ में, हिसाब किताब का था, हुआ फिर अच्छा, उसके लिए जितना हम अच्छा कर सकते हैं या जितना हमारे से कुछ उसके लिए बन सके हम करें, परंतु हाँ उसको कहेंगे ना जो हो चुका, हमने जानबूझ के तो नहीं किया, हो गया, लेकिन अभी तो हमको अपने कर्मों को अच्छा करना है, नहीं जो अभी बनाते हैं अभी तो सोचना है, अभी तो राइटियस कर्म करने के है, तो उसी राइटियस को समझने, इसीलिए हमको अटेंशन तो देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि जो होना होगा होगा, हमको अपना कर्म के ऊपर ध्यान। तो ड्रामा और कर्म, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का ये कैसा बना हुआ, ऐसी सभी बातों को अच्छी तरह से समझना, लेकिन करना हमको पुरुषार्थ, हमारा अटेंशन उसी के ऊपर रहना, तो ये सभी चीजों को समझने का अच्छा टाइम हुआ है। तो इसीलिए ऐसे बाप से अपना आप जो कुछ मिल रहा है उसी सभी बातों को अच्छी तरह से समझ और अपना पुरुषार्थ उसमें लगाना है, हमको उसमें लगे रहना है। तो भी अगर ये ड्रामा की भी बात और भी न समझ में आए तो उसको छोड़ दो, कोई ऐसी जरूरी नहीं है, यहाँ परमात्मा को जानना जरूरी है क्योंकि उसे योग लगाना है। हाँ ड्रामा है कैसा चलता है नहीं समझ में आता है छोड़ दो, लेकिन हमको कर्म करना है उसको पकड़ो, ये अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ये कैसा बना बनाया भी है और उसमें फिर रह कर करके हमको कैसा पुरुषार्थ करना है। हमारा चलता ही जीवन कर्म से है, तो हमको अपने कर्म के ऊपर ही अटेंशन देना है, इसीलिए हमको उसी बात को उठा करके चलना है, अभी उठा करके रहना है, क्योंकि अभी तो हमारे कर्म नीचे के है ना, हमको तो अभी ऊंचा उठना है, तो हमको उसको चीज को उठाना है, इसीलिए उठा करके हमको ऊंचा बनने का है, तो हमको तो वही पुरुषार्थ रखना है। अच्छा दियो टोली, अभी अपने बुद्धि में रखने की बात है, और हर बात में हमको सोच के चलना ही चाहिए, सोच के चलते हैं तो ये तो अभी सोच मिलता है नहीं कि सच्चा सोच कौन सा है, राइटियस क्या है बुद्धि, वो अभी मिलती है, तो उस बुद्धि से काम लेकर के चलना है। जो भी ग्रंथ है ना, देखो गुरु नानक के भी जो ग्रंथ है शास्त्र, उसमें भी है आद युग आद है भी सत्य होसी भी सत्य, यानी उसका मतलब है जो हो चुका है वो फिर होने का ही है, पर तो उसका मतलब ये नहीं है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री का, कि जो हिस्ट्री हो चुकी है वो फिर होने की है, जो स्टेज हमारी ऊंची थी चल चुकी है वो फिर आने की है, अभी हम फिर नीचे आए हैं, परंतु उसका मतलब ये नहीं है जो होना होगा वो अपने आप ही होगा, अपने आप नहीं होगा, होना होगा होगा पर तो करने से होगा नहीं, वो भी तो हम ऊंचे उठेंगे अपने कर्म से ही नहीं, जब भी उठे थे तभी भी कर्म से उठे थे, तो हमको कर्म अवश्य करना ही, इसीलिए उस देखो अर्जुन को भी है गीता ही सारी इसके ऊपर है ना, उसने कहा कि नहीं जो हमारे से होना होगा अपने आप उसे छोड़ के बैठ गया, कहा नहीं तुमको उठाना है तुमको करना है, करने के बिना नहीं होगा, तो अवश्य करना है, तो हमको अपने कर्म को उठाना ही है, पुरुषार्थ को उठाना ही है, और अपने पुरुषार्थ तो पुरुषार्थ को उठाओ, चलो उस पर जो है ना वही सब्जेक्ट है,
अपना मुख्य है ही ये बात नहीं ज्ञान की, और मुख्य है ही चीज कि हमको चलना ही उसी के ऊपर है। इसीलिए अपने कर्मों को, अपने कर्म भी कौन सा, श्रेष्ठ बुद्धि रख करके कर्म करना है। और अभी श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है कि हमारी ऊंची बुद्धि कौन सी है, तो हमको उसको लेकर के चलना। तभी तो परमात्मा को भी आकर के समझ देनी पड़ती है ना। अगर हमारे कर्म के ऊपर आधार नहीं होता तो वो कहता अपने आप ही बनेगा, तो वो भी क्यों आकर के नॉलेज देता, फिर उसको नॉलेज फुल क्यों कहते। फिर पतितों को पावन करने वाला वो भी क्यों करता, अपने आप होने वाला, तो फिर तो भगवान की भी कोई अथॉरिटी रही नहीं, वो तो सब अपने आप होता है, फिर तो भगवान की कोई अथॉरिटी नहीं है। फिर तो उसको भगवान कहना, ऑल माइटी कहना, फिर तो नाम उतार देना चाहिए उसका भी, काहे की माइटी है, फिर ऑल माइटी का है, किसकी माइटी देता है, क्या करता है, नथिंग। फिर तो सब ऐसा ही चलता रहता है, फिर कोई किसकी माइटी है ही नहीं है ना, हम कुछ कर्म करते हैं ना परमात्मा हमको कराते हैं, ना कोई वो कुछ है, ना कोई कुछ है, सब ड्रामा है, फिर तो चलता ही रहता है, फिर तो किसकी बड़ाई नहीं है। नहीं परंतु ऐसे नहीं है, उनका पॉट है, वो भी हमको आकर के उठाते हैं, इसीलिए उनका भी वर्ल्ड ऑल माइटी, क्योंकि हमारी ऊंची दुनिया बनाता है, इसीलिए हमको वो शक्ति देता है, इसीलिए वो भी ऑल माइटी गाया जाता है। और हम अपने कर्म श्रेष्ठ करते तो हमारी भी प्रारब्ध बनती है, तो सबका है नहीं काम, पार्ट है। फिर अगर नहीं होता, सब अपने आप होने का होता, तो फिर न वर्ल्ड ऑल माइटी है, न हमारे कर्म है, न हमारी प्रारब्ध है, कुछ नहीं है, फिर तो ऑटोमेटिक मशीन चलती रहती है, फिर तो कुछ बात ही नहीं है। पर तो नहीं, भले है ऑटोमेटिक, परंतु उस ऑटोमेटिक को भी किस नेमों से चलना है, वो नेम भी समझने हैं। तो हमको पकड़ना है नेम को, बाकी ऑटोमेटिक तो है अनादि, वो बात ही अलग है, लेकिन हमको नेम को पकड़ना है। अगर नेम को नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम राइट नहीं चले, चलेंगे ऑटोमेटिक में परंतु ठीक नहीं चलेंगे, हमारा टेरा एक्शंस हो जाएंगे। चलना तो है ही जरूर, परंतु क्यों नहीं हम समझ के चलेंगे तो हमारा पोजिशन अच्छा रहेगा। तो समझ के चलना चाहिए ना, इसको अपने कर्म को और उसी सभी बातों को समझना है, और अपने कर्म को श्रेष्ठ रखना है, ये सभी चीजें समझने। देखो इतना नॉलेजफुल, इतना सर्व शास्त्र श्रोमणि गीता, भगवान को भी समझाना पड़ा, और जो भी आया है धर्म स्थापित सबने अपना अपना काम आकर के एक्शन से किया है ना, अपने आप थोड़ी होता रहा, आए हैं उन्होंने भी जितना जितना काम किया है अपना आकर के कर्म करा करके किया है। गांधी ने भी किया कुछ भी, तो अपना थोड़ा प्रचार किया नहीं, हाँ माथा कुटी की कुछ किया, हर एक काम करने से होता है ना, अपने आप कैसा होगा। तो करना, उसमें समझना पड़ता है, उसमें चलना पड़ता है, करना पड़ता है। क्या करते तो अभी करने की तरह से करते हो ना, अपने आप कैसा होता है। दो चार बच्चे संभालते हो तो कैसे संभालते हो, करते हो तभी संभालते हो, इतने छोटे काम भी बिना करने के लिए नहीं होते। एक शरीर का भी अपनी संभाल बिना करने के लिए नहीं, तो करना पड़ता है, समझना पड़ता है, अभी खाना है, अभी ये करना है, अभी ये करना, वो करना करना पड़ता है, चिप करके बैठो सब कुछ होता जाए, करो देखो होता है, कभी नहीं होगा। तो ऑटोमेटिक हो तो सब ऑटोमेटिक हो ना, पर तो ऐसे नहीं आप कहेंगे कि ये भी हमसे ऐसा ही होता है, उसमें आपका सोच चलता है, समझ चलती है, करते हो ये करना है ये नहीं करना है, सब करने की तरह से होता है, तो इसमें भी ऐसा होना चाहिए, इसको कोई अलग क्यों करते हो, वो अपना सोच समझ से करते हो, और इसको क्यों समझते, होना होगा, किस्मत में होगा, हम बने होंगे तो बनेंगे, इसमें क्यों ऐसे करते हो, उसमें भी ऐसे करो ना, बने होंगे तो बनेंगे, पैसा मिलना होगा तो मिलेगा, कमाया होगा तो कमाएंगे, करना होगा तो करेंगे, फिर चुप करके बैठ जाओ, उसमें नहीं बैठते हो और इसमें क्यों। तो ये तो सभी चीजों के लिए है ना, अच्छा बाप हाँ, जैसा जो हमको ऐसी समझ दे करके ऐसा ऊंच बनाते हैं, और दादा जिसको बनाया है वो हमारे सामने आदर्श है कि मनुष्य को कैसा बनना है, और कैसे मनुष्य को क्या बनाया, तो दादा को क्या बनाया हाँ, उसको क्या बनाया है वो हमारे सामने है, कि किसको और क्या बनाया वो दिखलाते हैं, कि मनुष्य को मैंने क्या बनाया है, तो बनना है ना, वो भी कर्म से बना है, ऐसे नहीं ड्रामा से बना है, कर्म से बना है, कराया ना, उसको भी आकर के मुझे उठाना पड़ा ना, कराना पड़ा ना, तो उसके तन मन धन से जो उसने कर्म किया उसका फल पाया है, तो वो फल का साक्षात्कार है, बाकी बना बनाया नहीं, ऐसे ही मुफ्त का हा? कर्म से तो दिखलाते हैं कि उसने भी कर्म किया है और कर रहे हैं नहीं हमारे सामने। तो बाप दादा, बाप को भी करना पड़ता है हा? और दादा से भी आकर के कराया है, तो उसको भी कराने का काम आकर के करना पड़ता है, करना ही तो पड़ेगा। तो ऐसा बाप और दादा माँ की मीठे मीठे हाँ बहुत ऐसे समझदार जो अपने पुरुषार्थ में पूरे तत्पर रह रहे हैं हाँ, ऐसे बच्चों पर तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग।